भगवान शिव को शस्त्रों और अस्त्रों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता माना जाता है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के मुख्य तौर पर दो अस्त्र थे। भगवान शिव का पहला अस्त्र था धनुष और उनका दूसरा अस्त्र था त्रिशूल। धनुष के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने धनुष का निर्माण स्वयं किया था, लेकिन त्रिशूल के निर्माण के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि भगवान शिव के त्रिशूल का निर्माण कैसे हुआ था। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं HD वॉलपेपर। आपको जो कोई भी वॉलपेपर इन वॉलपेपर्स में से पसंद आए उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। दोस्तों, माना जाता है कि जब भगवान शिव का सृष्टि के आरंभ में जन्म हुआ था, मतलब कि जब ब्रह्म आनंद से भगवान शिव प्रकट हुए थे, उस टाइम भगवान शिव के साथ रज, तम और सत्य ये तीन गुण भी प्रकट हुए थे। हमारे भारतीय ग्रंथों के अंदर रज, तम और सत्य को मानव निर्माण की मुख्य इकाई के रूप में देखा जाता है। ये वो तीन गुण है जिनसे मानव और पूरी सृष्टि की रचना हुई थी। जब उस समय ये तीनों गुण प्रकट हुए तो इन तीनों गुणों को एक साथ रखे बिना सृष्टि का संचालन करना बहुत मुश्किल था। इसलिए भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को एक साथ लाकर एक त्रिशूल की रचना की और उस त्रिशूल को अपने हाथ में धारण कर लिया। और माना जाता है कि आज तक भगवान शिव सृष्टि के संचालन के लिए इन तीनों गुणों को अपने हाथ में धारण करे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के त्रिशूल की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वॉलपेपर्स आपको पसंद आया होंगे। जो भी वॉलपेपर आपको अच्छा लगा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के लिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपको दोबारा मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस।